गुड आफ्टरनून इंडिया, आर यू ऑल एक्साइटेड? दोस्तों मेरा नाम रवि है और मैं अपने वाइफ मनसा साथ ये बिजनेस करीब 8 सालों से कर रहा हूँ। और बिजनेस करने से पहले मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी करता था, मैं मैकेनिकल इंजीनियर, और ये बिजनेस को पार्ट टाइम में शुरुआत किया था। और जब मेरी इनकम नौकरी से 4-5 गुना ज़्यादा यहाँ पर हो गई, तो पिछले 4-5 सालों से वी आर डूइंग फुल टाइम एंड वी आर एंजॉइंग द रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम का मतलब ये होता है कि आप काम नहीं भी करो तो भी पैसा आएगा। आप पैसे के लिए नौकरी जाने की जरूरत नहीं है, आप कहीं पे भी रहो दुनिया में तो भी पैसा आएगा, आप दुनिया में नहीं रहेंगे तो भी पैसा आएगा, उसको रॉयल्टी बोलते हैं। कितने लोगों को चाहिए रॉयल्टी? ओके, उसके लिए डायमंड जाना पड़ा। कितने लोग डायमंड जाना चाहते हैं? ओके, कितने लोग ऐसे हैं जो पहली बार ऐसे फंक्शन में आए? कितने लोग ऐसे दोस्त, जोरदार ताली के लिए, बिग हैंड फॉर देम, वेलकम दोस्तों, वेलकम। जितने भी लोग पहली बार आए हैं, पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि बिजनेस क्यों करना चाहिए, बिजनेस से मिलने वाला क्या चीज है दोस्त। इस बिजनेस की जो ब्यूटी देखेंगे ना, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सब चीजें मिलती है, सब चीजें एक साथ मिलती है। बहुत सारा पैसा मिलेगा, बहुत सारा समय मिलेगा, सिक्योरिटी आपके लिए नहीं, आपके जनरेशन के लिए, हाँ, अच्छा सेहत मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगा, घूमने फिरने को मिलेगा, चैरिटी करने का चांस मिलेगा, मतलब एवरीथिंग आपको थ्रू ये बिजनेस मिल जाएगा। अगर ये सब चीजें अगर आपको ट्रेडिशनल जॉब या बिजनेस में करना पड़ेगा, तो एक एक चीजें आपको मिलेगा और एक एक चीजें के लिए अलग अलग आपको एक्टिविटी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप बिजनेस करते हैं और इसमें एक अच्छा लेवल लेते हैं, तो सब चीजें आपको साथ में मिल जाएगा दोस्त, तो करना चाहिए कि नहीं? हाँ, ये बिजनेस करना मतलब कि एक लाइफस्टाइल हो जाएगी, जैसे पुराने जमाने में राजा महाराजा लोगों की हुआ करती थी, ठीक है कि नहीं? कोई टेंशन नहीं पैसे का, टाइम का कोई टेंशन नहीं, फ्रीडम का कोई टेंशन नहीं, सिक्योरिटी का कोई टेंशन नहीं, सही बात है कि नहीं? इसलिए राजा महाराजा लोग बहुत ज्यादा जिंदा रहना चाहते थे कि भाई इतना आराम की जिंदगी इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी तो कैसे चलेगा। लेकिन बॉडी की तो लिमिट है ना, 80 साल, 90 साल, 100 साल, ये बायोलॉजिकल बॉडी उसकी लिमिट है। लेकिन वो लोग सोचते थे बहुत ज्यादा जिंदा रहना है, तो उन्होंने क्या किया, एक नया टेक्निक अपनाया कि जिंदा रहने के लिए उन्होंने बिल्डिंगें बनाने शुरू कर दी। बहुत फेमस, किसी ने मंदिर बनाया, किसी ने मस्जिद बनाया, किसी ने अलग अलग चीजें बनाया, जैसे ताजमहल बनाया, कुतुब मीनार बनाया, लाल किला बनाया, बनाया कि नहीं? क्यों बनाया उन्होंने? क्योंकि वो मर जाने के बाद भी जिंदा रहना चाहते थे कि लोग हमें ये बिल्डिंगों के द्वारा याद करें, भले हम दुनिया में नहीं रहे लेकिन हमें इस बिल्डिंगों के द्वारा हमें याद किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ताजमहल किसने बनाया? शाहजहां। तो शाहजहां का मरे हुए कितने साल हो गए, लेकिन आप उसको जानते हैं। कितने साल पहले बनाया ताजमहल? 400 साल पहले बनाया, 1630 समथिंग में शुरुआत किया था उसने, और आज भी 400 साल बाद भी आपको उसका नाम मालूम है, सही बात है कि नहीं? तो मर के भी वो जिंदा है, मतलब अमर हो गया। वैसे ही इस बिजनेस में वैसी अपॉर्चुनिटी आपके पास भी है। 400 साल पहले जब शाहजहां रहता था, उस समय आपके पूर्वज भी थे, आपके दादाजी के दादाजी के दादाजी, ठीक है? आपका शाहजहां आपके रिलेटिव नहीं था, लेकिन आपको उसका नाम मालूम है। लेकिन जो पूर्वज है आपके रिलेटिव थे और हैं, क्या उनका नाम बता सकते हैं? 400 साल पहले वाले पूर्वज का बता सकते? ऊपर नहीं बता सकते। क्यों? उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया कि आप उनको याद करें, सही बात है कि नहीं? लेकिन आप बहुत लकी हो, नसीबदार हो, आपका दोस्त 10वां खानदान, 20वां खानदान, 100वां संतान भी आपको याद रखेगा, क्योंकि आपके द्वारा लाखों करोड़ की रॉयल्टी जा रही होगी दोस्तों, लाखों करोड़ रुपए को जा रही होगी इस बिजनेस के द्वारा। तो इतना तो कोशिश करेगा कि हमारे खानदान में एमवे की शुरुआत किसने की थी, आपका नाम आएगा दोस्तों वहां पे, आपका नाम आएगा। तो डायमंड जाना चाहिए कि नहीं? तो इस बिजनेस में आप अमर हो जाओगे, आपका नाम कभी मिट ही नहीं सकता है। तो तैयार है आप? यस, डायमंड जाना देखो बहुत जरूरी है। और आज आप बहुत ही लक्की हो, बहुत ही नसीबदार हो कि ऐसे फंक्शंस में आप आए हो। इस फंक्शंस में आपके दिमाग में एक डायमंड का बीज डाल दिया जाएगा, ठीक है? और वो 2-3 साल आप उसको करते रहेंगे, जो चीज सिखाया जाएगा, तो 2-3 साल बाद विल बी डायमंड रिएक्ट। ये फंक्शन अटेंड करने के बाद आप डायमंड ना जाओ, ऐसा पॉसिबिलिटी ही नहीं है। सिर्फ एक ही आदमी आपको रोक सकता है ना जाने से, वो कौन है? आपके कुर्सी पर बैठा है, सही बात है कि नहीं? एक बार एक धोबी कपड़े धो के अपने गधे पर सब सामान कपड़े को लाद के लेके आ रहा था, तो रास्ते में उसको एक पत्थर दिखा, पत्थर बहुत चमक रहा था, तो उसने क्या किया, पत्थर उठा के गधे के गले में बांध दिया और चला जा रहा था। सामने से एक आदमी आया, वो डायमंड मर्चेंट था, वो देखो अरे ये तो गधे के गले में एक डायमंड लटका हुआ है, इतना महंगा और इतना बड़ा डायमंड। सोचा कि चलो धोबी से बात करते हैं, तो धोबी से बात किया कि भाई ये डायमंड, उसको बोला नहीं ये डायमंड है, बोला ये पत्थर मुझे देगा क्या? बोला हाँ दे सकता हूँ। बोला कितने में देंगे? तो बोला 10 रुपये में। डायमंड मर्चेंट थोड़ा चिंगुस था,
₹10 में, बोला धोबी को ऐसे मालूम नहीं है, बोला ₹5 में दे दे। तो धोबी बोला नहीं ₹5 में नहीं दूंगा, लेना है तो ₹10 में दूंगा। तो बोला डायमंड मर्चेंट सोचा कि चलो थोड़ी देर बाद शायद दे देगा, तो उसने लिया नहीं, तो धोबी आगे चला गया। थोड़ी दूर जाने के बाद फिर एक दूसरा आदमी आ रहा था, वो भी डायमंड मर्चेंट था। उसने देखा अरे ये तो डायमंड लटका के जा रहा है। उसने धोबी से बात किया, ये पत्थर मुझे देगा क्या? बोला हाँ। बोला कितने में देगा? बोला ₹10 में। इससे पहले भी एक आदमी ने मुझे पूछा, मैंने उसको ₹10 बोला तो उसने लिया नहीं, वो ₹5 में मांग रहा था, अगर आपको चाहिए तो मैं 10 में दे सकता हूँ। तो डायमंड मर्चेंट बोला दे दो, 10 में ले लिया उसने, वो लेके चला गया। तो पहला वाला जो डायमंड मर्चेंट था फिर देखा कि चलो फिर से धोबी को मिलते हैं, शायद अभी दे दे। धोबी के पास फिर से गया कि भाई वो पत्थर मुझे दे दो। बोला कि थोड़ी देर पहले एक दूसरा आदमी आया था, मैंने उसको दे दिया। तो पहला वाला डायमंड मर्चेंट बहुत शौक होता था, बोला अरे मूर्ख आदमी, देखो मालूम था तूने क्या दे दिया उसको? बोला नहीं। बोला लाखों रुपए का डायमंड था, तूने ₹10 में दे दिया, तू कितना मूर्ख है। वो धोबी बोलता है ठीक है, मैं मूर्ख हूं इसलिए धोबी हूं और इसलिए ये काम कर रहा हूं गधे के ऊपर, लेकिन आप कितने महामूर्ख हो जो लाखों रुपए का डायमंड आपने ₹10 में भी लिया नहीं। तो दोस्तों आप बिजनेस कर रहे हो, इस फंक्शन में आ गए, अभी आपको डायमंड जाने के अलावा कोई छुटका नहीं है। जो फंक्शन में नहीं आए तो डायमंड नहीं जाएगा तो चलेगा, बोला मैं तो गया ही नहीं, लेकिन आप यहां पे आके नहीं जाएंगे तो क्या हालत होगी? हाँ वो मैं बोलना नहीं चाहता, ठीक है। तो क्या आप तैयार है डायमंड जाने के लिए? नहीं तो दोस्तों कहते हैं कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ लेडी, लेडी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेडी घर के बना सकती है और बिगाड़ भी सकती है, तो लेडीज के बहुत, उनके बिना आप डायमंड जा ही नहीं सकते, इंपॉर्टेंट रोल। तो मैं चाहता हूं कि मेरी वाइफ लेडीज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बात करेगी क्या रोल है उनका, तो प्लीज हेल्प मी इनवाइट माय ब्यूटीफुल वाइफ मंजुषा ऑन द स्टेज। थैंक यू, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, और मेरा नाम मंजुषा है और मैं हाउस वाइफ हूँ। और इतने बड़े फंक्शन में लोग मिलते हैं तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, एक जस्ट लगता है कि बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, फैमिली का जस्ट यहाँ पर हम लोग मिलते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अपने अपने माइंड में अपने अपने दिल में बहुत सारे सपने लेकर यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। बहुत सारे यहाँ पर अभी आपको स्पीकर आकर बोलेंगे, लेकिन किसके दिमाग में क्या दिल में क्या चल रहा है वो स्पीकर नहीं जानता, लेकिन वो सामने वाला जो आदमी बैठा है वो जानता है कि मुझे क्या चीज़ की ज़रूरत है, क्या मैं सपना देख रहा हूँ। तो हो सकता है कि आज जो जुनून था जो पाने का, वो आपको आज ज़रूर वो रास्ता दिख जाएगा। और मैं कुछ लेडीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से बातें करूँगी कि हम लोग को ये बिज़नेस क्यों करना चाहिए। हस्बैंड लोग तो ठीक है, वहाँ नौकरी कर रहे हैं और यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनके लिए तो काम करना ही है, पर हम लोग जस्ट हाउस वाइफ हैं उसके साथ ये बिज़नेस क्यों करें? उन्होंने बहुत सारे बातें की कि ये हमको मिलता है वो मिलता है, लेकिन सबसे पहले हम लोग को टाइम मिलता है। अगर हम ये बिज़नेस बिल्डअप कर लेते डायमंड चले जाते हैं तो हमारे पास टाइम हो जाता है, हमारे पास मनी आ जाता है। और अगर आपको घूमना फिरना पसंद है तो फॉरेन टूर मिलते हैं, वो भी हस्बैंड के साथ, अभी फैमिली ट्रिप आ रहा है तो बच्चों के साथ, जो चीज़ आप सोच भी नहीं सकते वो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, लेडीज़ के लिए पॉजिटिव एटमॉस्फेयर मिलता है। कोई भी चीज़ अगर लेडीज़ के सामने रखते हैं तो उसमें क्या पहले नेगेटिव चीज़ ही देखते हैं, वो आदत हो जाती है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि नहीं अच्छा कैसे हो जाता, हो सकता है कुछ इसमें ज़रूर नेगेटिव होगा। हम लोग घर में, बाहर में, सोसाइटी में बहुत जगह हम लोग नेगेटिव सुनते आते हैं, तो ऐसा फंक्शन सुनते हैं, ऐसा मीटिंग्स में आते हैं, अपलाइन के पास रहते हैं, तो हम लोग का माइंड पॉजिटिव हो जाता है, वो हम लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हम लोग फिर से हम लोग काम में लगने के लिए हमारे पास एनर्जी आ जाती है, ठीक है। और जैसे कि आप ये बिज़नेस है ये बिल्डअप कर रहे हैं, आपको हस्बैंड को बहुत सारी ज़रूरत पड़ेगी कुछ इसमें इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप अपने हस्बैंड को इस बिज़नेस को करने के लिए उनको इन्वेस्टमेंट नामक बीज डालने की ज़रूरत पड़ेगी, वो आप बीज उनको डालने देना, उनसे आप रोकिएगा नहीं। देखिए अभी आप फंक्शन में आए हैं, टिकट लगा है, तरह से इन्वेस्टमेंट है, वो अभी आपको नहीं मालूम चलेगा, जब धीरे धीरे आप ग्रो होंगे, आपका नॉलेज आप जब यूटिलाइज़ करेंगे तब आपको मालूम चलेगा कि वो हमने जो टिकट देकर जो नॉलेज लिया था उसका ही ये फल है। हम लोग ने भी बहुत दूर दूर जाकर ये फंक्शन अटेंड किया है और आज हम नॉलेज लिए हैं। तो इस तरह हमको हस्बैंड को कोई भी चीज़ में, अगर ब्रिट मटेरियल है या कैसेट बुक्स ये सब में अगर पैसे डाल रहे हैं तो हमें उन्हें रोकना नहीं है, वो हमें हमारी माइंड को टीच करेगा, हमको पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड देगा, वो हमको उस वे में हमको ले जाएगा। और दूसरी बात है कि हम अपने हस्बैंड को कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि नहीं ये पैसा खर्चा है, खर्चा नहीं है ये इन्वेस्टमेंट है। पैसे बचाने वाले कभी भी अमीर नहीं बनते, पैसा बनाने वाले अमीर बनते हैं। और मैं लेडीज़ के लिए ये भी बोलूँगी कि जैसे कि आप किस किस चीज़ को आप इन्वेस्टमेंट समझेंगे, बहुत सारा चीज़ आपको
लगता है कि ये खर्चा है, लेकिन खर्चा नहीं है। जस्ट लाइक मान लीजिए कि मैं आप अपने घर में किसी प्रोस्पेक्ट को लेके या नए गेस्ट आते हैं तो उनको कुछ न्यू डायमंड्स के सीडी दिखाने हैं, तो आपके लिए टेलीविज़न, सीडी प्लेयर, वो भी आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट ही है। अगर आपके पास सीडी प्लेयर नहीं है तो कितने भी सीडी आपके ब्रिट ऑफिस में क्यों नहीं हो, लेकिन वो आपके लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो वो भी एक आपको इन्वेस्टमेंट करना है। सीडी प्लेयर घर में होना चाहिए, वॉकमैन है, कहीं भी आप जा रहे हैं तो कुछ कैसेट सुनने हैं, कुछ भी आपको कहीं भी वो काम देगा। वो तो ऑलराउंडर, आपके घर में रहेगा तो आपके पर्सनल काम में भी देगा। तो वो चीज़ हमें ध्यान देना है कि नहीं, वो चीज़ आपके हस्बैंड को जितना जल्द हो सके अच्छी क्वालिटी का लेना है। और सबसे बड़ी बात, एक कैमरा भी होनी चाहिए। कैमरा तो आपके पास रहेगा तो आप बहुत सारे फोटोग्राफ्स खींच सकते हैं, आप अपने अपलाइन के साथ कहीं फ़ौरन जा रहे तो वो भी यूज़ होगा। और एक अच्छा मोबाइल भी आपको रखना चाहिए, आपको उसमें जो आपको बिजनेस के लिए काम करेगा उसमें इन्वेस्ट करेंगे, आपको फिर रिटर्न देगा ही। और आप दोनों के पास मोबाइल होगा ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि हो सकता है आप दोनों को अलग अलग फील्ड पे काम करना पड़े तो आप दूसरे को कांटेक्ट कर सके। तो वो ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट है और आपको हर जगह काम आएगा, ऐसा नहीं कि बिजनेस में ही काम आना है। उसके बाद आप थोड़ा लेडीज़ को बोलेंगे, जैसे आप ये मेगा फंक्शन में आते हैं, आप ब्रिट ओपन में जाते हैं या सेमिनार में जाते हैं, तो उसके लिए आपको ड्रेसअप अच्छा रखना होगा। नॉर्मल से थोड़ा अच्छा साड़ी है, ड्रेस है थोड़ा अच्छा लीजिए, ज्वेलरी है, पर्स है या आपके सैंडल है, वो भी एक इन्वेस्टमेंट ही है। आप सोचते हैं इसमें क्या, वो तो चलेगा, वो कोई मुझे देख नहीं रहा है, लेकिन वो आपको मालूम है कि मैंने क्या पहना है। 100 रुपये का शर्ट पहने और 1000 रुपये का शर्ट पहने तो वो आपको अंदर में फ़र्क पड़ जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस में आ जाएगा फ़र्क, आपका सेल्फ इमेज अप हो जाएगा। तो हमें हमेशा अच्छा रिजल्ट देख के काम करना। देखिए, कोई भी आता है मीटिंग में या फंक्शन में तो वो हमें पहले देखता है, बिजनेस को बाद में देखता है। तो वो हमें चेक करता है कि हम अंदर से कैसे हैं, हमारा कॉन्फिडेंस कैसा है, हमारा सेल्फ इमेज कैसा है, वो उसको मोटिवेट कर रहा है कि नहीं। उसके बाद वो साइन अप करता है कि नहीं, आप लोग ऐसा कर रहे हो, बोल रहे हो जो सच दिखता है, तो फिर वो साइन अप करता है। तो हमें ये सब छोटी छोटी चीज़ पे इन्वेस्टमेंट करना है। और सबसे बड़ी बात कि अपना तो ड्रेसअप का ख्याल किया, लेकिन अपने साथ साथ हस्बैंड का भी देखना है। ऐसा नहीं कि आप दम अच्छे से तैयार हुए और हस्बैंड को कुछ ख्याल ही नहीं किया, उनके लिए भी अच्छे सूट बूट और जो कोट टाई उनका भी ख्याल रखना, अच्छी क्वालिटी का टाई शूज़ वो सब लेना, उनके लिए वही है, उनका पर्सनैलिटी उससे अच्छा दिखता है। और सबसे बड़ी बात, हमें आर्टिस्ट्री और न्यूट्रलाइट खुद यूज़ करना है। देखिए, न्यूट्रलाइट लेंगे तो हम हेल्दी दिखेंगे, तो हम स्वस्थ रहेंगे, अच्छे से हम बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं, हम हेल्दी दिखेंगे। और आर्टिस्ट्री लगाएंगे तो हम ब्यूटीफुल दिखेंगे, तो सामने को बोल सकते हैं कि नहीं, आप ये प्रोडक्ट अच्छा है, मतलब आप में आप खुद एक प्रोडक्ट, आपको खुद सामने को दिखेगा कि नहीं ये लोग खुद यूज़ कर रहे तो ही बोल रहे हैं। तो वो ये आप नहीं सोचेगा कि ये इतने सारे खर्चे आ गए, वो इन्वेस्टमेंट आपके बॉडी में जा रहा है, आपके बिजनेस में जा रहा है, तो रिटर्न आपको आज नहीं, 1 साल बाद 2 साल बाद जब आप डायमंड जाएंगे तब आपको दिखेगा कि ये सब चीज़ किया तो आज आपको मिला। और जैसे कि अब लेडीज़ लोग बोलेगी, लेकिन ठीक है, सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगता है, मीटिंग में जाना और मतलब सब जो उनकी बातें, वो सब लाइफ स्टाइल मुझे बहुत पसंद है, फिर भी कुछ लगता है कि कुछ कमी है, कैसे करें। तो आप जैसे कि मान लीजिए आपका एक बच्चा है, उसको आप कैसे 25-26 साल तक उसको टाइम मनी देकर उसको आप इतना लगन से उसको पढ़ाते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, CA, वकील हम लोग बनाते हैं, हम लोग उसमें इतनी हम लोग अपनी पूरी लाइफ स्टाइल हम लोग इधर सुधर कर देते हैं, लेकिन उसको कुछ नहीं होना चाहिए। क्यों करते हैं? क्योंकि वो आगे बढ़े, नाम कमाए, लेकिन हम ये सोचिए कि जो भी नॉलेज वो दे रहा है, जो भी वो बन रहा है, सिर्फ उसी तक सीमित रहेगा। लेकिन अगर आप बिलीव, आप थोड़ा माइंड को सोचिए 2 मिनट कि अगर आप इस बिजनेस को अपने बच्चे की तरह मान लेते हैं, मान लीजिए कि अभी आपके पास 2 बच्चे हैं, तो सोचिए कि मेरे पास ये 3रा बच्चा आया है, उसका नाम MA रखे हैं, और जिसके 1 बच्चे हैं उसका 2रा बच्चा आया, उसका नाम MA रखिए, और फिर वो सोचिए कि मेरा ये जो MA नाम का बच्चा आया है उसको मुझे ही पाल पोस के बड़ा करना है। और सिर्फ 5 से 6 साल तक आप देखिए डायमंड बनिए, इसमें टाइम मनी जो आप अपने बच्चे को देते आए हैं, जो डालते आए हैं, जो इमोशनल टच रखते आए हैं, वो इसमें रखिए। आप देखिएगा जब ये बिल्डअप होते जाएगा डायमंड सन आप पिन लेकर जब आप इतने सारे इनकम जब आपके पास आ जाएगा, तो जो आपका अपना बच्चा उससे ज़्यादा आपका ये ख्याल रखेगा, और आपका तो रखेगा ही, साथ में आपके बच्चे का भी ख्याल रखेगा, उसके बच्चे का भी, पूरा जनरेशन आपका ये ख्याल रखेगा। तो ये पूरा जो हम लाइफ जो जी रहे हैं, हम ऐसा नहीं बोलते कि हमारे बच्चे, हमको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, करनी है, पर ये इतना है, सिर्फ 5 साल हम इस पर मेहनत कर लेते हैं तो कितना हमें रिटर्न्स देता है। उसके बाद ये बच्चा बहुत फास्ट बड़ा होगा और आपको बहुत ज़्यादा इनकम, जो जो चीज़ आज आपको बताया जाएगा सब कुछ मिलेगा। हम लोग ने वैसा ही किया, जो हमारे बच्चे के प्रति इमोशनल होते हैं, उनको कुछ अगर तबीयत खराब होती है या हम लोग कहीं स्कूल उनका मिस होता तो हम लोग कैसे डिस्टर्ब हो जाते, उस तरह इस बिजनेस के साथ आप इमोशनल टच रखिए। एक भी फंक्शन मिस हो जाए तो लगे कि आप क्या मिस कर दिया।
तो इस तरह का अगर टच रखेंगे लेडीज तो आप जरूर इसमें आएंगे, आपको कुछ भी हो जाए आपको फंक्शन अटेंड करना है कैसे भी पैसे का अरेंजमेंट करके, तो इस तरह आप करेंगे तो एमवे भी आपको उस तरह का अटैचमेंट रखेगा। इस तरह से हमें काम करना है। और खास करके देखिए, हमको भगवान ने ये जिंदगी दी है तो हमको जिंदगी ऐसे नहीं वो घर में बाहर में लोगों की बातें करके लोगों की बुराई कर ऐसे हमें नहीं निकालनी है, हमें बहुत सारा क्वालिटी और आकर हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। बहुत सारे आप लेडीज़ में देखेंगे नहीं उनको मालूम था कि ऐसे बोलना पड़ेगा ऐसे करना पड़ेगा ये चीज़ होता है, लेकिन वो आकर सीख लिया और कर लिया। आज उनका जो उनको मालूम नहीं था कि ये मेरे पास शक्ति है, वो उनके आज उनका वो उनका बेस उनका पावर दिखता है कि नहीं आज मेरे पास ये था लेकिन मुझे मालूम नहीं था। तो बहुत सारे ज़िंदगी में हमको चाहिए लेकिन हम वो करते नहीं है क्योंकि हमको दिशा दिखाता नहीं है। तो हमें ज़िंदगी जीना है मकसद के साथ में, ठीक है। ज़िंदगी के ऊपर मुझे दो लाइन याद आ रही है, वो आपसे मैं शेयर करना चाहती हूँ। ज़िंदगी का मतलब यूं ही बसर करना नहीं होता, रास्ते पर चल देना ही सफ़र नहीं होता, बल्कि पाई है ज़िंदगी तो इसका कुछ इस्तेमाल करें, बल्कि पाई है ज़िंदगी तो इसका कुछ इस्तेमाल करें। चल तो रहे हैं पर इसका हम किसी मकसद की ओर प्रस्थान करें। थैंक यू, विश यू गुड लक एंड बैक टू माई हस्बैंड। जोरदार ताली दोस्त, मकसद की ओर प्रस्थान करना है, डायमंड की ओर। तैयार है आप? यस। एक आदमी दोस्त, कभी भी उसको कुछ प्रॉब्लम होती थी तो हमेशा पर्स निकाल के फोटो देखता था। उसका दोस्त पूछा, यार तू हमेशा कभी भी टेंशन में आता है प्रॉब्लम आता है तो क्या देखता है निकाल के? बोला कि इस पर्स में मेरे बीवी का फोटो है और कभी भी मैं इसको देखता हूँ तो मुझे बहुत हिम्मत आ जाती है क्योंकि मैं तो सोचता हूँ दुनिया में इससे बड़ा प्रॉब्लम तो हो ही नहीं सकता ना। एक बार एक लेडी अपने हस्बैंड को लेके डॉक्टर के पास जाती है कि डॉक्टर साहब इनका कुछ ट्रीटमेंट कीजिए। रात को पूरी रात बोल बोल करते हैं, सोने नहीं देते हैं। रात में इनको दिन में बोलने की बहुत आदत हो गई है। डॉक्टर उसका पूरा चेकअप करता है, चेकअप करने के बाद बोलता है, मैडम इनका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है अगर आप इनको दिन में बोलने का मौका दे तो। तैयार है आप लोग? यस। देखो मनसा ने बताया कि बिजनेस करना क्यों जरूरी है और इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है। देखो अभी बिजनेस करना तो पर कैसे आता है, कैसे करना चाहिए। देखो अगर कोई काम आप सीखने के लिए तैयार हो और कोई सिखाने के लिए तैयार है तो हो जाएगा, ठीक है। संगत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, जैसे बोलते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। जैसे लोगों के टच में आप रहेंगे वैसी क्वालिटी आप में आ जाएगी, ठीक है। हमेशा कांति गाला जी कहते हैं कि आप कौन सी किताबें पढ़ रहे हो, कैसे लोगों के साथ घूम रहे हो, उससे मैं बता सकता हूँ आप आगे आपकी 5 साल बाद आपकी जिंदगी कैसे रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ आपको 1-2 महीने तक घुमा दिया जाए तो आपके भी दिमाग में बिजनेस के थॉट्स आने लगेंगे, सही बात है कि नहीं? लेकिन आप तो उनके साथ घूमना चाहेंगे लेकिन वो आपके साथ घूमना चाहेंगे नहीं, बोलेंगे यार ये कहीं मुझे टिफिन नहीं पकड़वा दे, वो घूमना है। वो आप संगत लेना चाहते हैं लेकिन वो संगत देना नहीं चाहते। लेकिन यहाँ पे इस बिजनेस की ब्यूटी वो है कि आप जिसका संगत लेना चाहते हैं वो संगत देने के लिए तैयार है। दोस्तों आज के मीटिंग में देखो कहाँ कहाँ से लोग, इंडिया की अलग अलग जगह से लोग यहाँ पे आपको संगत देने के लिए आए हैं। कुलीन देसाई जी अमेरिका न्यू जर्सी से आए हैं आपको सिखाने के लिए, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पे 2 चीजें, अगर सीखने वाला तैयार है और सिखाने वाला तैयार है तो काम हो जाएगा, ठीक है कि नहीं? जैसे कि यहाँ पे बहुत से लोग मैरिड कपल बैठे हैं, कितने लोग शादीशुदा है, कितने लोग शादी हो चुकी है। कुछ लोग धीरे धीरे हाथ ऊंचा कर रहे हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं उसके वाइफ बाजू में टेंशन में है क्यों खड़ा क्यों नहीं कर रहा है। फिर से पूछता हूँ दोस्तों, कितने लोग शादीशुदा है? हाँ, तो आपकी शादी तभी हुई जब लड़की और लड़के दोनों तैयार थे। कोई ऐसा आदमी है जिसका दोनों में से एक आदमी तैयार नहीं था शादी हो गया? पॉसिबल नहीं है ना। तो वैसे ही यहाँ पे दोस्त, अगर आप सीखने के लिए तैयार हो और कोई आदमी सिखाने के लिए तैयार है तो काम हो जाएगा। यहाँ पर सिखाने के लिए अलग अलग जगह से डायमंड्स आए आपको सिखाने के लिए, और आप यहाँ पर सीखने के लिए तैयार हो। अगर आप सीख लेंगे तो 2 से 3 साल के अंदर आप डायमंड बन के यहां से बोल रहे होंगे। आर यू रेडी? यस। अब कोई भी काम पहली बार करेंगे तो गलतियां तो होगी। जैसे एमवे आपने पहली बार शुरू किया तो बहुत सारी गलतियां होगी, बहुत सारी भूलें होगी, लेकिन उसे घबरा मत जाइएगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जिंदगी में कोई भी काम आपने पहली बार किया था गलतियां हुई थी, साइकिल चलाया था गिर गए थे लेकिन फिर भी चलाना शुरू रखे दोस्त, ठीक है कि नहीं? स्विमिंग सीखा बहुत पानी पिया लेकिन फिर भी चालू रखा, इसलिए आप स्विमिंग कर सकते हो आज। लेडीज लोग तो पहली बार जब रोटी बनाना सीखा तो राउंड बनी थी या मैप बना था अलग अलग कंट्री का ना, लेकिन मम्मी ने बोला कोई बात नहीं बेटी हो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस के लिए आटा अलग से निकाल के दे दिया, लो प्रैक्टिस करो। तो वैसे ही दोस्त यहाँ पे भी बहुत बार आप शुरू करेंगे तो बहुत से लोग हंसेंगे, आपकी मजाक उड़ाएंगे, लेकिन आप चिंता मत करना, पहली बार कर रहे हो, धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस होकर मास्टरी हो जाएगी, लास्ट में आप हंसोगे वो देखेंगे। ब्रूस ली हमेशा कहता था कि एक आदमी को 1000 टेक्निक आता है उसे मुझे डर नहीं लगता, लेकिन एक ऐसे आदमी
जो एक ही टेक्निक को हजार बार प्रैक्टिस किया है उसे मैं डरता हूं। तो आप इतना प्रैक्टिस कर लो, इतना प्रैक्टिस कर लो एसटीपी का कि प्रोस्पेक्ट आपसे घबराने लगे, अरे बाप रे इतना प्रैक्टिस किया हुआ आदमी है, कर सकते कि नहीं। तो दोस्तों और सिखाने के लिए यहां पे उपलब्ध है, आप अपलाइन उपलब्ध है, ब्रिट वर्ल्ड वाइड पूरा सिस्टम बना हुआ है जो आपको डायमंड बनाने के लिए तैयार है। क्या आप रेडी है? ब्रिट वर्ल्ड वाइड 4 बेसिक्स 9 को स्टेप 3 कार्डिनल रूल्स फॉलो कीजिए। अभी जैसे मनसा ने बताया कि कोई भी चीज सीखना होता है तो उसमें 2 चीज का इन्वेस्टमेंट आता है, एक टाइम और एक पैसा। टाइम और पैसा दोनों चीज डालना पड़ेगा तभी आप सीखेंगे, उसे बिना सीख ही नहीं सकते। आप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं तो टाइम भी डालते हो पैसे भी डालते हैं, तो वैसे यहां पर अगर आप सीखना है तो टाइम और पैसा दोनों जाएगा। जैसे कि आज फंक्शन में आए हो तो पैसा लगा, कितना लगा पैसा? 600 रुपए टाइम लगा, यस 12 बजे से 6 बजे तक फंक्शन है, टाइम और पैसा दोनों, तभी सीखेंगे। तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट अगर नहीं करेंगे तो आपको रिटर्न्स कम मिलेगा या तो धीरे धीरे मिलेगा। तो ब्रिट वर्ल्ड वाइड चीजें जो रिकमेंड करती है उन पे आप ध्यान देके करिए। फॉर एग्जांपल अगर बहुत ही फास्ट डायमंड जाना है 2 से 5 साल के अंदर, तो सब लोग को SOT स्टैंडिंग ऑर्डर टेप्स, अभी SOP हो गया स्टैंडिंग ऑर्डर प्रोग्राम, क्योंकि सीढ़ी जाने लगी है तो होना चाहिए दोस्त। अगर आप 1 साल का SOP कराते हैं बुक तो उसको डिवाइड बाई 12 करेंगे, महीने का खर्चा आएगा 330 रुपये आएगा दोस्तों, 330 रुपीज SOP अगर कराते हैं तो। अगर बुक ऑफ द मंथ आता है, हर महीने की किताब आती है, अगर पूरा 1 साल का बुक कराते हैं तो उसको डिवाइड बाई 12 करेंगे तो एक महीने का आएगा 170 रुपये, 170 रुपीज। लैंप लाइटर आता है दोस्त हर महीने, लैंप लाइटर अगर डिवाइड बाई 12 करेंगे तो हर महीने का खर्चा आएगा 50 रुपीज। उसके बाद दोस्त हर महीने सेमिनार्स होती है आपके सिटी में, एक सेमिनार्स का चार्ज होता है 150 रुपये एक आदमी का, अगर आप कपल में जाते हैं तो 300 रुपये लगेंगे। उसके बाद ब्रिट ओपन अटेंड करते हो, ब्रिट ओपन का चार्ज होता है 20 रुपया या कहीं कहीं 30 रुपया होता है, अगर आप कपल में जाते हो तो 40 रुपये लगते हैं एक मीटिंग के, वैसे 4 मीटिंग अटेंड कर रहे 160 रुपये लगते हैं। ठीक है, ये सब चीजें अगर ये सब चीजों का टोटल मारोगे तो टोटल होगा 1010 रुपये। 1010 रुपये में आप दो आदमी मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों सीख रहे, 1010 को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 505 रुपये हर महीने का, अगर फुल सिस्टम के साथ बिजनेस करते हो तो खर्चा है, उससे ज्यादा खर्चा तो मेरी बेटी अभी KG में जाती है, उससे ज्यादा उसका फी है। कितने लोग के बच्चे हैं, कितने लोग के बच्चे का फी 500 रुपये से ज्यादा हर महीने, कितने लोग के बच्चे का? देखिए आराम से आप पे करते हो, वहां पे बोलते हैं सर पैसा नहीं है मैं नहीं पे कर सकता हूं, क्योंकि बच्चे को पढ़ाना है तो पे करना ही पड़ेगा, सवाल ही नहीं है। तो वैसे ही दोस्त अगर सही में अगर दिल से आप डायमंड जाना चाहते हो तो ये सब चीजें करना ही पड़ेगा दोस्त, फी पे किए बिना आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा दोस्त। आर रेडी टू इन्वेस्ट? यस। अभी मैंने जितने चीजें मैंने लिखवाया है वो आप इमीडिएटली करा लीजिए जाके, तभी आप डायमंड जाओगे। फ्री में कोई भी चीजें मिलती नहीं, इतना ध्यान रखो, नथिंग इज फ्री इन द वर्ल्ड, आपको पेमेंट तो चुकाना ही पड़ेगा। सक्सेस इज नेवर बिल्ड ऑन कन्वीनियंस। तो 4 से 5 साल कर लेंगे फिर जिंदगी क्या जेनरेशन का आराम हो जाएगा दोस्त। तो तैयार है आप? एक बार जब आपने वो कर दिया दोस्त, इन्वेस्टमेंट कर दिया, फिर थोड़ी थोड़ी चीजें की सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, छोटी छोटी चीजें, हाँ जो अभी नॉर्मली हम TV देखते थे, मैच देखते थे, वो थोड़ा कम कर देना पड़ेगा, हाँ थोड़ा नींद कम कर देना पड़ेगा, क्योंकि 4 से 5 साल दिन का तो समय 24 घंटा ही है। आप जो काम पहले करते थे वो तो करना ही है, लेकिन एक्स्ट्रा M1A एंट्री मारा है दोस्त, एक्स्ट्रा M1A एंट्री मारा है, तो उसके लिए 2 से 2.5 घंटा हर टाइम निकालना है ना, तो 2 से 2.5 घंटा टाइम कहाँ से निकालेंगे? TV का टाइमिंग, सोने का टाइमिंग, गप्पे मारने का टाइमिंग, वो सब टाइम 2 से 2.5 घंटा आराम से निकल जाएगा दोस्त। एक आदमी पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन लिखवाता है कि घर मेरे घर में चोरी हो गई है। तो क्या चोरी हुआ? बोला सब कुछ चोरी हो गया। बोला सब कुछ मतलब? बोला कि इतना खतरनाक चोर आया था कि कपड़े भी छोड़ा नहीं उसने, कपड़े कबर्ड वासन सब कुछ चोरी हो गया, सिर्फ एक ही चीज बाकी रखा। बोला क्या? बोला TV। बोला यार कैसा चोर आया था, TV नहीं ले गया बाकी सब कुछ ले गया? बोला हाँ TV तो मैं देख रहा था। लोग इतने खतरनाक तरीके से TV देखते हैं कि चोर आगे चला जाता है मालूम ही नहीं चलता है। तो उसको थोड़ा 2-3 साल के लिए कम करना पड़ेगा। क्या कम कर सकते हैं कि नहीं? कम कर सकते दोस्त, आप डायमंड बॉर्न ही डायमंड हुए हो, कोई सवाल ही नहीं है। आपने जिस दिन MA का फॉर्म साइन किया था उसी दिन 6 आदमी का और साइन हो गया था, समझे कि नहीं? हाँ, पर वो कहां पे है वो मालूम नहीं, ढूंढना है, मिलने ही वाला है आपको, लेकिन वो मिले तब तक आप टिकना। बहुत बार ऐसा होता है वो मिल जाते वही गायब हो जाता है, समझे कि नहीं? मिलने ही वाला है। जैसे भगवान बोलते हैं ना कि जिस समय कोई लड़का पैदा होता है उसी समय उसके लिए लड़की भी पैदा कर देते हैं, कहीं ना कहीं पहले से फिक्स रहता है।
लेकिन मिलने में समय लगता है ना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बर्थ डेट एंड मैरिज डेट, सही बात है जी नहीं? तो वैसे ही जब आपका जो फॉर्म साइन अप हुआ और 6 आदमी का जो साइन अप हुआ वो मिलने में टाइम लगेगा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ज्वाइनिंग डेट एंड डायमंड डेट। कुछ लोग बोलेंगे यार जब हो ही गया तो कल क्यों नहीं मिल जाता, आप बोलोगे यार अभी मैं पैदा हो ही गया हूं तो लड़की अभी क्यों नहीं मिल जाती है, टाइम लगेगा दोस्त, और ढूंढना पड़ेगा, अपने आप नहीं मिलेगा, ढूंढना पड़ेगा। आप सोचोगे अपने आप मिल जाएगा तो नहीं मिलेगा, ढूंढना पड़ेगा दोस्त। जब शादी हुई तो ढूंढे ना, कितनी लड़कियां देखे आप, अलग अलग लोग अलग अलग, तो यहां पे भी वो 6 आदमी को ढूंढने में अलग अलग को अलग अलग कोटा आएगा दोस्त। लेकिन ये श्योर है कि आप ढूंढेंगे तो मिल ही जाने वाला है, वो 6 आदमी कहां है मुझे नहीं मालूम, पर मिल ही जाने वाला है। आप डायमंड बिना रुकने ही वाले नहीं हो, और भगवान को आपको डायमंड बनाना था तभी ये बिजनेस आपको दिखाया गया, तभी ये बिजनेस आपको समझ में आया, तभी आप ये मेगा फंक्शन आज बैठे हैं, वरना बैठ ही नहीं सकते थे। बहुत बहुत लोगों को, बहुत लोगों को मैं बहुत दिन से समझा रहा हूं, नहीं समझ में आ रहा है, बहुत लोगों को मैं बहुत महीने से समझा रहा हूं, बहुत लोगों को मैं बहुत सालों से समझा रहा हूं, नहीं समझ में आ रहा है। डायमंड नहीं लिखा है नसीब में, रॉयल्टी नहीं लिखा है दोस्त। आपको समझ में आ गया मतलब रॉयल्टी डिसाइडेड, आप डायमंड जाने का कोई सवाल ही नहीं है। देखो आप कोई मेडिकल डॉक्टर के पास जाएंगे तो बोलेगा ये हेरिडिटरी डिजीज है, पूछेगा आपके फादर को ब्लड प्रेशर था, मदर को डायबिटीज था, पूछता है ना, मतलब वो हेरिडिटी में है इसलिए आपको होने का चांसेस है। तो यहां पर दोस्त एक चीज मैं बता दूं, सक्सेस आपके हेरिडिटी में है दोस्त। हाँ, आपको जो पूर्वज है बहुत महान लोग है, उन्होंने पूरी हिस्ट्री बदल दी, उन्होंने पूरा, आपके जो पूर्वज है महान लोग हैं, हाँ? इस धरती पर जो जन्म लिए हो तो महान लोग आपके पूर्वज का जो हिस्ट्री है, हाँ, भगवान राम कृष्ण स्वामीनारायण महावीर बुद्ध विश्वामित्र भगीरथ जैसे राजा हरिश्चंद्र जैसे लोग इस आपके पूर्वज में आते हैं, जिन्होंने एक नया स्वर्गलोक बनाने का ठान लिया, जिन्होंने जिंदा आदमी को स्वर्गलोक में भेज दिया, ऐसे ऐसे महान ऋषि मुनियों की आपकी हिस्ट्री है दोस्त। आपके उसमें हेरिडिटी में सक्सेस है ही, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप डायमंड ना हो, बस उसको खाली उभारने की जरूरत है। तो क्या आप निकाल सकते हो उसको? यस, आप डायमंड जा ही सकते हो, इसमें कोई एक शक है ही नहीं, वो शक निकाल देंगे विल बी डायमंड। 2-5 साल का गेम है, अगर आप उसको कंप्लीट कर लेते हैं 100% तो सक्सेस इज इन योर हेरिडिटी है, तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बार क्या होता है, एक शाम को एक इवनिंग वॉक के लिए एक बापू होते हैं, वो इवनिंग वॉक के लिए जाते हैं, तो इवनिंग वॉक में अपने कुत्ते को भी साथ में लेके जाते हैं, कुत्ता बहुत लंबा चौड़ा, तो एक आदमी मिलता है कि बापू आज तुम्हारा कुत्रो तो सिंह जेवो लागे छे। बापू गर्म हो जाते हैं कि गधेड़ा सिंह जेवो नहीं, आ सिंह छे, पर नौकरी करी करी ने तारा जेम कुत्रा जेवो थई गयो छे, समझेगी नहीं? तो वैसे ही मेरे भाई आप सब लोग बॉर्न सिंह हो, लायन हो, लेकिन आगे का मैं नहीं बोलूंगा, समझेगी नहीं? आप बॉर्न डायमंड हो, कोई सवाल ही नहीं है। आप अपने हिस्ट्री तो देख के देखो, आप डायमंड बनने ही वाले हो, इसमें कोई आप जीतने के लिए पैदा हो, क्योंकि जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं वो आपके नसीब में लिखा हुआ है, जो बड़े बड़े बंगले हैं आप रहने वाले हो, जो बड़े बड़े जो वर्ल्ड ट्रिप में आप जाने वाले हो, हाँ हवाई में आप घूमने वाले हो, मर्सिडीज आप चलाने वाले हो, बहुत सारी चैरिटी करने वाले हो दोस्तों, आपके नसीब में वो सब चीजें लिखा है, सवाल ही नहीं है। यू आर बॉर्न टू विन, आप जीतने के लिए पैदा किए गए हैं। आपका जो भगवान ने आपको जो यहाँ पर भेजा है वो एक मकसद है, आपके द्वारा सोसाइटी में बहुत सारी चेंजेज आने वाली है, आपके द्वारा स्टेट में बहुत सारे चेंजेज आने वाला है, आपके द्वारा अपने देश में बहुत सारे चेंजेज आने वाला है। क्या आप तैयार है? क्या आप डायमंड जा सकते हैं? कह सकते हैं मैं डायमंड? कितने लोग डायमंड जाना चाहते हैं? खड़े हो जाइए जो डायमंड जाना चाहते हैं, प्लीज स्टैंड अप। कह सकते हैं मैं डायमंड? आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड। विश यू गुड लक, गो डायमंड, थैंक यू।